तो गाइस आज हम फिर से फाइनली अपने वही अंकल के साथ जाने वाले हैं पठानकोट। सो वहाँ पे हमें स्कूटरी की एक तो सर्विस करवानी है एंड सेकंड पे हमें कंटीन से थोड़ा सा सामान लेना है। सो वहाँ साथ में हमें इंजॉय करना और फन करना है और देखना है कहीं ऐसे स्विमिंग पूल है तो आपको नेक्स्ट टाइम उस स्विमिंग पूल भी हम शेयर कराएंगे और मज़े लेंगे। रास्ते में जो कुछ भी हमें मिलेगा इम्पोर्टेंट वो हम आपको सिनेमैटिक शॉर्ट्स में दिखा देंगे। सो लेट्स बिगिन इन द व्लॉग। सो गाइस ये देखो पूरा व्यू कैसा आ रहा है इस टाइम पे एंड फुल ऑन स्पीडिंग पे अपनी गाड़ी। ऑलमोस्ट पठानकोट यहाँ से कितनी दूर है? 19 किलोमीटर। सो गाइस 19 किलोमीटर का ट्रैवल होने वाला अपना। सो गाइस अब हम फाइनली हाईवे पे चढ़ने वाले हैं एंड वहाँ तो भाई सभी ओवर स्पीडिंग पे होंगे। आई होप कि हम भी ओवर स्पीड में ही होंगे क्योंकि उनके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। सो गाइस लोगों का रिएक्शन देख रहे हो तुम लोग? सो गाइस अभी फुल ऑन स्पीड पे हैं हम। मेरे को तो अपने फोन का डर लग रहा है कहीं ये ना उड़ जाए भाई। अभी ये व्यू देखने वाला है भाई, आप ऐसा लग रहा है जैसे हम फुल ऑन भाई ये देखो। तो वही पहचान लो जिन जिन का घर पठानकोट में पड़ता है तो उन्हें तो ये रोड की अच्छे से पता होगा। ये देखो भाई ये नर्सरी है जहाँ पता नहीं क्या है भाई, लेकिन ये बहुत दूर तक फैला हुआ है भाई। ऐसे ही हट टाइप के बने हुए हैं। ये एशिया का पोटली फार्म है जो एशिया के नंबर में आता है। किसी टाइम ये एशिया का नंबर 5 होगा करता था, नहीं अभी ये अभी भी नंबर में है। ये एशिया के काफी बड़ा पोटली फार्म है। एंड गाइस अब हम रास्ते में सबको ओवरटेक करते ही जा रहे हैं। यहाँ पे हमें गोल गोल घूमना है। सो गाइस ये सारा आ चुका है मिलिट्री एरिया। एंड भाई देखो मिलिट्री एरिया कब शुरू हुआ था और अभी तक मिलिट्री एरिया ही चल रहा है। सो गाइस ये व्यू देखने वाला है। सो गाइस ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसको बर्फानी मंदिर बोलते हैं क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। किसी भी मौसम में यहाँ का पानी इतना ठंडा रहता है कि पाँव सुन कर देता है इसके अंदर घुसने। ये देखो भाई यहाँ से तो घर बिल्कुल छोटे छोटे दिखते हैं सभी के। इधर से तुम लोगों के घर देखो कितने मतलब छोटे छोटे, जैसे हम गेम खेल रहे होते हैं। अबे साले तब। एंड ये रहे भाई वो पहाड़, ये देखो भाई घर देख ले हो तुम लोगों के, बिल्कुल छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं यहाँ से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुजुकी मारुति वालों के शोरूम में जहाँ से हमने स्कूटी परचेज की थी, अभी इसकी सर्विस कराएंगे। सो गाइस अभी हमें जाना है कैंटीन में एंड ये हेलमेट कंपलसरी होता वहाँ, इसके बिना तो एंट्री नहीं है। एंड इन्होंने भी पहन लिया एंड मैं ना पहली बार ऐसा वाला हेलमेट पहन रहा हूँ, अजीब गरीब सा। एंड ये भी देखो कैसे लग रहे हैं हम दोनों, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो भाई अभी देखते हैं वहाँ अंदर चल के, अगर तो वीडियो बनाने देंगे तो शूट कर लेंगे वरना देखा जाएगा। बनाना मना था लेकिन मैंने फिर भी 2-4 क्लिप्स बनाई हैं, सो वो आप अभी देख सकते हो।
गाइस फाइनली अब हम वो एरिया से निकल चुके हैं एंड फाइनली मैंने हेलमेट भी उतार दिया है। सो गाइस ये देखो ये कैसे चला रहे हैं मुँह पे ऐसे, इन्हें मुझे नहीं लगता कुछ भी आगे दिखाई दे रहा है। सो गाइस अब हम यहाँ से कुछ खाने वाले हैं, काफ़ी गर्मी पड़ रही है एंड यहाँ पे हमें आइसक्रीम की वो शॉप मिल चुकी है, छोटी सी शॉप नहीं मतलब वही जो ट्रैवलर सी होती है। सो यहाँ से लेट्स सी कुछ खाते हैं। सो गाइस यहाँ से हमने अब ये शेक लिया है, ये अब हम इंजॉय कर रहे हैं। व्यू देखो गाइस, अब हम यहाँ पे कुछ दो चार फोटो वगैरह क्लिक करने वाले हैं। ये देखो भाई साथ में ही हाईवे एंड यहाँ पे, सो गाइस ये ब्रिज पूरा हिल रहा है, जब भी कोई मतलब बड़ा व्हीकल यहाँ से गुजरता है तो ये फुल ऑन हिल रहा है। सो गाइस मैंने इन्हें ढेर दिया है कि यहाँ पे बीच रोड में डांस करो। ये देखो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे दो चार क्लिक कर दिया जिसको आपको शॉट गाइस। तो गाइस अब हम इस जगह से जा रहे हैं अपने घर की ओर और यहीं पे अपना ब्लॉग होता है एंड हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ऐसे ब्लॉग हम लाते रहेंगे। इन्हें अंकल के साथ, भाई साहब के साथ, जिनके साथ हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, नहीं सुबह बाय बाय।